नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आज दोपहर गुजरात के सूरत में एक भयानक आग हादसा हो गया। सूरत के सरथना इलाके की एक बहुमंजिला इमारत तक्षशिला आर्केड में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 15 छात्र हैं। इस इमारत में एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, जिसमें कई छात्र पढ़ने के लिए आते थे। दोपहर के वक्त जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय डिजाइनिंग की कोचिंग कर रहे छात्र यहाँ थे, और ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग लगने की वजह क्या थी। आग इतनी भयानक थी कि कई छात्र चौथी मंजिल से नीचे भी कूद गए। इनमें से अधिकतर की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं। मारे गए अधिकतर छात्रों की जान आग में झुलसने या दम घुटने की वजह से गई। इस हादसे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सूरत से हमारे सहयोगी मनीष पानवाला। मनीष, इस वक्त क्या स्थिति है घायलों की, और इस आग पर कब तक काबू पाया गया? जी सुशील जी, आग पर काबू तो कब से पाया लिया गया है, कूलिंग का काम खत्म हो चुका है। फिलहाल अभी अभी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी है वो सूरत पहुंच चुके हैं, और सीनियर अस्पताल में जहाँ पे घायलों को भर्ती किया गया है वहीं पे उन्होंने विजिट किए, लोगों से मिले हैं। और उसके अलावा जो लोग, जो बच्चे, कम नसीब बच्चे जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवारजनों से भी वहाँ पे मिले हैं। और उसके साथ साथ वो दूसरी जगह पे अस्पताल में भर्ती है बच्चे, वहीं पे भी उनके यहाँ भी मिलने जाएंगे। कहा जाता है कि शायद वो घटना जहाँ पे हादसा हुआ है वहीं पे भी विजिट करें, ऐसी भी बात की जा रही है। इसलिए मैं बता दूं कि जिस प्रकार से दोपहर को करीब 3:30 बजे के ये वारदात हुई, उसके बाद शुरुआती दौर पे ये बात सामने नहीं आई थी कि अंदर कोई बच्चे फंसे हुए और आग से झुलस गए। शुरुआत में जो लोगों के वीडियो आए, जो स्थानीय लोग जहाँ पे आग लगने के वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो देखा कि कई सारे बच्चे कूद रहे हैं, तो यही चीज सामने आ रही थी कि शायद जो 14 बच्चे ऊपर से कूदे हैं उसमें कुछ हताहत होने की संभावना थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे आग पे काबू पाया गया, कूलिंग का काम हुआ, उसके बाद जब फायर ब्रिगेड के लोग अंदर घुसे, तो काफी चौंकाने वाली बात सामने आई। जो अंदर से जो बॉडी निकाली गई, जो कहीं सफोकेशन की वजह से मौत हुई है और कई सारे झुलस के भी मौत हुई है, तो 19 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, जिसमें से 15 छात्र आए हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। फिलहाल यहीं पे माहौल काफी सारी भीड़ इकट्ठा है, लोगों में अंदर से काफी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि हर बार इस प्रकार का हादसा होता है, प्रशासन शुरुआती दौर पे 2-3 दिन के लिए कार्रवाई करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है उनको नोटिस दी जा रही है फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो शायद इस बार हो सकता है कि इस नई चीज को सीरियसली ले दिया जाए और कुछ ना कुछ कार्रवाई है। और एक चीज आपको ये बता दूं कि अभी हमें पता चला है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक FIR भी पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है। हालांकि उसकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर ये हो सकती है कि निगलिजेंसी की FIR रजिस्टर हुई है। सुशील जी। जी शुक्रिया मनीष। तो इस हादसे में 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 15 छात्र हैं। ये भयानक आग हादसा है, प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है। और अब बात 2019 के जनादेश की। सभी नतीजों की अब घोषणा हो चुकी है। आखिरी नतीजा जो सबसे देर में आज शाम आया, वो अरुणाचल वेस्ट का था। यहां से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 41,738 वोटों से विजयी घोषित किए गए। उन्होंने कांग्रेस के नबम तुकी को हराया। इसके साथ ही कुल 543 सीटों में से 303 सीटें हासिल कर बीजेपी ने एक इतिहास रचा है। नए नतीजों के आईने में प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी सरकार ने आज इस्तीफा दे दिया, ताकि वो नए सिरे से सरकार का गठन कर सकें। आज शाम साउथ ब्लॉक में पहले कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें चुनाव में शानदार जीत के पीछे सबकी भूमिका की तारीफ की गई, चर्चा की गई, और फिर इस्तीफा हुआ। लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव और अपनी सरकार के इस्तीफे के साथ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये उनका काफिला, शानदार काफिला, जो राष्ट्रपति से मिलने जिस वक्त हो गए उस समय का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उन्होंने लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव और अपनी मंत्रिपरिषद के इस्तीफे सौंप दिए। राष्ट्रपति ने अगली सरकार के शपथ ग्रहण तक उनसे काम करते रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने पिछली सरकार के मंत्रियों को रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में डिनर पर भी आमंत्रित किया। इससे पहले खबर आई कि प्रधानमंत्री ने पीएमओ में काम करने वाले अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी, उन्हें लड्डुओं से भरे डिब्बे दिए।
लेकिन दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के दो पुराने दिग्गजों लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने के साथ की। दोनों नेताओं के घर वो गए जिन्हें उन्होंने पहले से ही मार्गदर्शक मंडल में भेजा हुआ है। दोनों ही दिग्गजों को इन लोकसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया गया और इस वजह से दोनों ही नेता नाराज भी थे। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर जाहिर भी की, लेकिन आज उन्हें एक तरह से मनाने के लिए भी मोदी गए। ये उन्हें मनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहले लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छुए, फिर मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर उनके पैर छुए, उनसे गले वो मिले हैं। और दोनों नेताओं के बीच आडवाणी के साथ भी और मुरली मनोहर जोशी के साथ भी उनकी बातचीत हुई। इसके बाद ट्वीट कर मुलाकातों की जानकारी दी गई। दोनों बुजुर्गों का प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद किया। पार्टी को बनाने और मजबूत करने में जो भूमिका उनकी है उसकी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी की ये जो मुलाकात है इससे माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को कुछ मनाने में वो शायद कामयाब हों। देखिए, ये हमारी पार्टी की परंपरा है। हम लोग हमेशा इस बारे में अपने वयोवृद्ध लोगों के साथ, चाहे वो पार्टी में हो या व्यापक परिवार हो जो अपना उसमें, सबसे जाकर उनकी शुभकामनाएं लेते हैं और जो कुछ किया गया है उसके लिए भविष्य में और अधिक तेजी के साथ, शक्ति के साथ काम कर सकें, इसके लिए उनकी शुभकामनाएं लेते हैं। तो उसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी भी एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई दे चुके थे। बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी को अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को हार्दिक बधाई। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित भाई शाह और सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने की बहुत कोशिश की है कि बीजेपी का संदेश हर मतदाता तक पहुंचे। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव की प्रक्रिया इतनी कामयाबी से पूरी करने के लिए मतदाताओं और सभी एजेंसियों को मेरी शुभकामनाएं। मैं हमारे महान देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। वैसे इन लोकसभा चुनाव के नतीजों के तौर पर कई खास बातें भी सामने आई। पीआरएस इंडिया के मुताबिक 17वीं लोकसभा में 300 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार संसद में पहुंच रहे हैं। 197 सांसद दोबारा चुने गए हैं, यानी वो पिछली लोकसभा में भी थे। 45 सांसद उससे पहले की लोकसभाओं में रह चुके हैं। 12% सांसदों की उम्र 40 साल से कम है। 70 साल से ऊपर की उम्र के सांसद केवल 6% हैं। 394 सांसद ग्रेजुएट यानी स्नातक स्तर तक शिक्षित हैं। 27% सांसद केवल 12वीं तक पढ़े हैं। पहली बार सबसे अधिक 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं। 2014 में 62 महिला सांसद चुनकर लोकसभा में आई थी। इन चुनाव में लाखों मतदाता ऐसे भी थे जो अपने इलाके में खड़े किसी भी उम्मीदवार से खुश नहीं दिखे। इन लोगों ने चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया, यानी नन ऑफ द अबव, यानी उनकी कोई पसंद उन उम्मीदवारों में से नहीं थी। 2019 में 1.04% मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा 1.08% मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया था। असम और बिहार में सबसे ज्यादा 2.08% मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। वहीं सिक्किम में 0.65% मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। नतीजों के बाद सभी जीते हुए सांसदों के अब दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के संसदीय दल की कल शाम बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर बीजेपी संसदीय दल का नेता फिर से चुना जाएगा। इसके ठीक बाद एनडीए के सभी सांसदों की संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक होगी जिसमें उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, प्रकाश सिंह बादल समेत सभी बड़े नेता और सांसद मौजूद रहेंगे। एनडीए के इस बैठक में एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगेगी। शनिवार और रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नई सरकार और मंत्री पदों को लेकर एनडीए के सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। उधर शनिवार सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकारी समिति की भी बैठक बुलाई गई है। इस पर भी सबकी निगाह है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का इस बार रहा उससे काफी पार्टी में मायूसी है। लोकसभा चुनाव में जीत की तमाम तस्वीरें सामने आज आती रहीं, खुशी की भी गम की भी। इनमें से एक तस्वीर जम्मू से है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाचते दिखे। कश्मीर घाटी की 3 सीटों में से 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला 70,000 वोटों से जीते, जबकि अनंतनाग से
उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार और हाईकोर्ट के पूर्व जज हसनैन मसूदी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया। इस जीत से खुश पार्टी कार्यकर्ताओं के नाच गाने में फारूक अब्दुल्ला भी शरीक हो गए। तो कई जगह जोश और जश्न दिखा तो कुछ जगह मायूसी भी, जैसे यूपी में महागठबंधन की नाकामी के बाद से उसके नेता मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो आज अपने सभी प्रवक्ताओं को बर्खास्त कर दिया। यूपी में सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन बुरी तरह फेल हुआ है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं और बीएसपी को 10। और ये तब हुआ जबकि यूपी में एससी ओबीसी और मुस्लिम वोट करीब 78% हैं, जिन्हें महागठबंधन अपने साथ होने का दावा कर रहा था, लेकिन 37% के आसपास एससी और पिछड़ा वोट बीजेपी में चला गया। कमाल खान की रिपोर्ट। अमित शाह ने यूपी के बहराइच में 11वीं सदी के राजभर जाति के राजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण किया और बताया कि पिछड़े समाज के इस राजा ने कैसे मंदिर तोड़ने आए एक मुस्लिम हमलावर सालार मसूद और उसकी सेना को धूल चटा दी। इस तरह वो पिछड़ों का हिंदू स्वाभिमान जगाते रहे। एक दूसरा सोमनाथ का मंदिर गुजरात जैसा भी यहाँ पर भी बना था, उसको तोड़ने के लिए आए थे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसी रणनीति से युद्ध लड़े कि न केवल गाजी उसकी पूरी की पूरी सेना यहाँ पर समाप्त हो गई। 2014 में मोदी के सत्ता में आते ही बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटों दलितों को सपा बसपा से तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। इसके लिए पीएम मोदी ने वाराणसी के रैदास मंदिर में पंगत में बैठकर लंगर चखा, समरसता भोज नाम से दलितों पिछड़ों के यहाँ नेताओं का भोज कराया, लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत पे भावुक होकर तकलीफ जताई, बाबा साहेब के नाम से स्मारक योजनाएं शुरू की और पार्टी ने केशव मौर्य से दलितों और पिछड़ों के करीब 150 सम्मेलन कराए। और ये तो किसी नेता ने नहीं किया जो मोदी ने कर दिखाया। कुंभ में काम करने वाले तमाम सफाई कर्मचारियों के चरण धो डाले। हम सपना देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे चरण धो रहे हैं, बहुत सम्मान मिला, बहुत अच्छा मिला। वोट भी देंगे उनको? वोट देंगे। यही नहीं, कांग्रेस को गठबंधन में नहीं लेना भी भारी पड़ गया। कम से कम 10 सीटें बदायूं, बाराबंकी, सुल्तानपुर, चंदौली, मछली शहर, बांदा, बस्ती, मेरठ और संत कबीर नगर कांग्रेस की वजह से गठबंधन हार गया। अगर कांग्रेस गठबंधन में होती तो उसकी जीत और बीजेपी की हार होती। मुलायम सिंह यादव ने छोटी जातियों को पार्टी से जोड़ा था और उनमें तमाम बड़े नेता पैदा किए। फूलन देवी से लेकर बेनी वर्मा तक तमाम पिछड़े नेता उनके बनाए हुए थे। मुलायम के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद ये प्रक्रिया ढीली पड़ गई, जबकि बीजेपी ने उन्हें अपनी तरफ जोड़ने में जी जान लगा दी। यूपी में दलित वोट करीब 22-23% हैं, जिनकी 66 सब कास्ट या उपजातियां हैं। इनमें जाटो 13.1%, पासी 3.2%, धोबी 1.4%, कोयरी 1.3%, वाल्मीकि 1% और खटिक 1% है। गठबंधन को सिर्फ जाटो वोट मिलने का अनुमान है, यानी करीब 9-10% दलित वोट बीजेपी को चला गया। यूपी में पिछड़ा वोट 37-38% है, जिनकी 79 सब कास्ट या उपजातियां हैं। इनमें यादव 11%, कुर्मी 4.5%, लोधी 2.1%, निषाद 2.4%, जाट, गुर्जर, तेली, कुम्हार 2-2% और नाई, सैनी, कहार, काची सब 1.5% हैं। गठबंधन को सिर्फ यादव वोट मिलने का अनुमान है, यानी 26-27% पिछड़ा वोट बीजेपी को चला गया। आरएसएस की समग्र हिंदू एकता की कल्पना पिछड़ी और दलित जातियों की वजह से साकार नहीं होती थी, क्योंकि वो सवर्णों के एजेंडे पे उनके गुट में शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा का जो नैरेटिव पेश किया, उससे जातियों की सारी दीवारें गिर गईं। तो कुछ गठबंधन की खामियां रहीं और कुछ मोदी की रणनीति कि यूपी में गठबंधन फेल हो गया। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इन नतीजों के बाद दो राज्यों की सरकारों पर संकट आता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी काफ़ी आक्रामक हो गई है। उधर कर्नाटक में पहले से ही गठबंधन सहयोगियों जेडीएस और कांग्रेस में खटपट चल रही थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद अब इस गठबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। कयास लग रहे हैं कि कहीं जेडीएस नेता और मुख्यमंत्री कुमार स्वामी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ तो नहीं मिल जाएंगे।
ताकि उनके पास सत्ता किसी तरह बनी रह सके। हमारे सहयोगी निहाल की दुबई की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बीच कुमारस्वामी मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में कांग्रेस जेडीएस दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है और सरकार चलेगी। दिस रेफरेंडम दिस डिसीजन, चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो लोकसभा के हैं, विधानसभा के नहीं। ऐसे में कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन कांग्रेस जेडीएस की खटास किसी से छुपी नहीं है। देवेगौड़ा परिवार मानता है कि देवेगौड़ा और उनके पोते निखिल कुमारस्वामी को सिद्धरमैया की वजह से हारना पड़ा। सुबह कुमारस्वामी ने राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी कि कांग्रेस सरकार बनाए, लेकिन राहुल ने कहा कुमारस्वामी बने रहें। कुमार स्वामी ने सुबह राहुल गांधी को पत्र लिखकर बताया कि आप सरकार बनाएं, हम उसका समर्थन देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री अगले 4 सालों तक बने रहेंगे। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के गठजोड़ की अपनी मुश्किलें हैं। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करे, लिंगायत नेता येदुरप्पा को नाराज नहीं कर सकता। सरकार यहाँ हम बनाएंगे या क्या करेंगे, इस पर हमें देखना है कि दोनों पार्टियाँ क्या फैसला करती हैं। एक दो दिन इंतजार कीजिए। कम टुवर्ड्स बीजेपी आफ्टर दिस। नो, आई डोंट वांट टू गिव एनी रिएक्शन फॉर दैट, लेट अस वेट। येदुरप्पा जेडीएस से हाथ मिला सकते हैं, बशर्ते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुमारस्वामी के उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें एतराज नहीं होगा। कर्नाटक विधानसभा में 105 बीजेपी के विधायक हैं, 2 निर्दलीय उनके साथ हैं, जबकि जेडीएस के 37 विधायक हैं और 1 बसपा विधायक का समर्थन उनके साथ है। बीजेपी चाहे तो कांग्रेस के 13 विधायक तोड़कर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकती है, लेकिन ये आसान नहीं है। बीजेपी फिलहाल ये देख रही है कि सरकार अगर खुद गिरे तो राष्ट्रपति शासन भी चल सकता है। जेडीएस और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वेट एंड वॉच की नीति अपनाना चाहता है, ताकि सरकार यहां खुद ही गिरे, बीजेपी पर सरकार गिराने का इल्जाम न लगे और फिर वेस्ट बंगाल के साथ यहां मध्यवर्ती चुनाव करवाया जा सके। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी अब चिंता की बात हो गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भले ही सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी हो, मगर 18 सीटों पर बीजेपी ने बंगाल 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक तरह से बंगाल को झकझोर दिया है, ममता बनर्जी को झकझोर दिया। माना जा रहा है कि वहां अब सियासी लड़ाई और तीखी होगी और इसकी तस्वीरें दिखनी शुरू भी हो गई हैं। चुनाव के दौरान बंगाल में हुई हिंसा नतीजों के बाद भी कहीं कहीं दिखती रही। बंगाल में बीजेपी की कामयाबी से बौखलाए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई बाइकें जला दी। पुलिस को उनसे निपटने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। ये भाटपाड़ा का बदनाम मदन मित्रा ने शुरुआत की थी और बंगाल की भाटपाड़ा सीट पर जीते बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि ये हिंसा ममता को महंगी पड़ेगी। ममता बनर्जी के लिए मुझे दुख हो रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भावनाओं को नहीं समझी और उन्होंने अत्याचार का बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 18 सीट हाथ से निकल गया और आने वाले दिन में ये सरकार नहीं रहेगी। लेकिन इस टकराव में बीजेपी भी पीछे नहीं दिखी। पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी दफ्तर पर धावा बोलकर वहां बीजेपी का झंडा लगा दिया। बीजेपी कहती है बंगाल के तट से मोदी की सुनामी टकराई है। मोदी जी का सुनामी आया है, मोदी जी के लिए क्या कहना। बंगाल की 42 सीटों में 22 ममता को गई हैं और 18 बीजेपी को। माना जा रहा है कि ये टकराव की एक नई शुरुआत है। वहाँ विधानसभा चुनावों से पहले हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अब जब सारे नतीजे आ चुके हैं, 543 में से 303 सीटों बल्कि 542 में से 303 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रियदर्शन इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियदर्शन जी, तमाम चीज़ें अब साफ हो चुकी हैं इस पूरे लोकसभा की जो पूरी लड़ाई थी उसमें।
अब क्या बात उभर के सामने आ रही है, इतनी सारी गोलबंदियां बीजेपी और एनडीए के खिलाफ अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में हुई, लेकिन सारी गोलबंदियां फेल हो गई, क्या बीजेपी की रणनीति थी जो सब पर भारी पड़ी? देखिए, तीन चार बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि हम लोगों को मानना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला। राजनीति में व्यक्ति पूजा का भी एक सिद्धांत होता है, और कोई लोकतंत्र व्यक्ति पूजा तक पहुंचे इसकी अपनी विडंबनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद जब व्यक्ति पूजा शुरू होती है तो जैसे पूरा देश उसके पीछे चलने लगता है। तो मोदी जी कुछ भी करें, हम उनके साथ हैं, ये एक विकल्पहीनता का भाव कहीं भारतीय जनमानस में पहुंच गया, जिसके चलते सारे समीकरण, सारी सामाजिक गोलबंदियां फेल हो गईं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह, बीजेपी का बहुत कुशल प्रचार रहा, खुद इसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हर जगह उन्होंने खुद को बिल्कुल अकेले नेता की तरह पेश किया, जिसको हराने के लिए सारे महामिलावटी दल एक हो रहे हैं। तथ्य ये है कि जो सबसे बड़ा गठबंधन था वो बीजेपी का था। आखिरी दिन बीजेपी ने काउंट किया कि उसके साथ करीब 40 दल हैं, लेकिन 40 दलों के साथ होने के बावजूद प्रधानमंत्री बताते रहे कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा का पूरा विपक्ष उनके खिलाफ है। तो वो जो जादू जो चला, और वो जादू जब चलता है तो फिर सारे तर्क पार हो जाते हैं। उसने कम से कम तीन बड़े सामाजिक समीकरण थे जिनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, यूपी, बिहार और कर्नाटक। माना जा रहा था कि मायावती, अजित जी और अखिलेश का गठजोड़ जो है वो किसी भी राजनीति को अपने कब्जे में कर सकता है, वो फेल हुआ। लालू यादव और कांग्रेस वहाँ फेल हुए बिहार में, और कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का गठजोड़, ये तीनों फेल हो गए। महाराष्ट्र भी फेल हुए उस लिहाज से। तो अचानक आप पाएंगे कि पूरे सामाजिक समीकरण मोदी जी के आगे फेल हो गए। दूसरी बात, प्रचार का कमाल देखिए कि पुलवामा एक तरह से, मैं कल्पना करता हूँ कि अगर कांग्रेस के समय घटित हुआ होता तो बीजेपी ने पलटवार किया होता कि कैसी सरकार है जो 40-40 सैन्यकर्मियों को मरने दे रही है, और क्या कर रही है सरकार। पूरा का पूरा नैरेटिव, पूरा का पूरा आख्यान बीजेपी ने बड़ी कुशलता से बदल दिया। अचानक जो मुद्दा उसके खिलाफ जाना चाहिए था उसको उसने बिल्कुल अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। यहाँ तक कि भारतीय सेना एकाध वक्तव्यों में, लापरवाह वक्तव्यों में हो गई होगी, वो मोदी की सेना भी हो गई। लेकिन ये प्रचार तंत्र, बेशक इसके पीछे पूंजी की बहुत बड़ी ताकत थी जो शायद दूसरों के पास नहीं रही थी, लेकिन कहना होगा कि बीजेपी का ये बहुत कुशल प्रचार तंत्र मोदी जी की अपनी छवि के साथ इतना बड़ा हो गया कि उसके आगे विपक्ष बिल्कुल साफ हो गया। विपक्ष के लिए इस हार के बाद अब क्या सबक है? तमाम जो दल हैं जिन्होंने मुंह की खाई है, उनके लिए क्या सबक? देखिए, एक तो ये है कि आधी अधूरी लड़ाइयों से आप कोई जंग नहीं जीतते हैं। ये दिखता रहा कि प्रधानमंत्री जितनी मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह जितनी मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी के नेता जितनी रैलियां, जितने रोड शो कर रहे हैं, उसके मुकाबले कांग्रेस के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, जैसे महागठबंधन ने बहुत देर से अपनी रैलियां शुरू की, साझा रैलियां शुरू की। एक तो आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, दूसरा बीजेपी का विकल्प पर बीजेपी ने ज्यादा मेहनत से इसलिए उसको फायदा मिला। एक दूसरी बात जो वैचारिक आधार का सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस का वैचारिक आधार मतलब एक ही चीज है जो उनको अलग करती है। कांग्रेस अपने को सहिष्णु होने का दावा करती है, इस लिहाज से अगर कोई दूर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी में बस इतना फर्क है कि कांग्रेस थोड़ी सहनीय बीजेपी है, उसको आसानी से सहा जा सकता है। जो अरुण शौरी ने कभी कहा था कि बीजेपी इज कांग्रेस प्लस काऊ, काऊ को हटा दीजिए तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। तो एक तो कांग्रेस को अपने वैचारिक आधार को फिर अपनी जड़ों में तलाशना होगा, और उसके साथ एक तो मान लीजिए कि जो दक्षिण पंथ की जो राजनीति है, जो भारत में परवान चढ़ी सारी दुनिया में हो रही है, वो फ्रांस में, अमेरिका में, इजराइल में, हर जगह हम देख रहे हैं कि दक्षिणपंथी ताकतों का उभार है, क्योंकि पूंजीवाद के अपने संकट हैं। उस संकट में असुरक्षा और तरह तरह के भय पैदा हो रहे हैं, लोग राष्ट्रवाद के खोल में छुप रहे हैं। भारत क्या करे? भारत क्या उसी प्रवृत्ति को जिसका तस स्वीकार ले? हमारे बैकग्राउंड में कम से कम तीन एलिमेंट ऐसे हैं। एक समय भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत मजबूत था, धीरे धीरे बिखर गया। आज हमने बंगाल को देखा, वहाँ बीजेपी घुसपैठ कर चुकी है। लेकिन आप थोड़ा सा मार्क्स मिला के, गांधी की बहुत बड़ी विरासत है उसको मिला के, लोहिया को उसमें जोड़ के, और अंबेडकर का जो तेज है, जो उसका उसकी तर्कणा है, उसको शामिल करके
आप एक बड़ा मोर्चा बना सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज जमीन से चुनावी नुस्खे से आगे जाना होगा जी। मतलब अगर आप देखिए तो लेफ्ट कांग्रेस और सपा बसपा का एक आना एक तरह से गांधी मार्क्स और अंबेडकर को जोड़ने वाली लाइन है, लेकिन अगर वो चुनावी नुस्खे की तरह इस्तेमाल की जाएगी तो फिर वो बेकार हो जाएगी। और साथ में जमीन से भी जुड़ना होगा, जैसे पन्ना प्रमुख एक एक आदमी तक बीजेपी की पहुंचने की कोशिश है, विपक्ष की ऐसी कोशिश नहीं दिखी। एक और बात ये कि इतनी बड़ी जीत अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आती है, जिम्मेदारियां भी और बड़ी हो जाती हैं, और ये बहुत बड़ा एक तरह से अभियान था प्रधानमंत्री मोदी का जो कामयाब साबित हुआ। अब उनके सामने जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए निश्चित तौर पे पिछले 5 साल में, मतलब चुनावी दौर को छोड़ दें, तो मैंने संसद में प्रधानमंत्री के कई वक्तव्य देखे जो बड़े सहिष्णु किस्म के वक्तव्य रहे। जब उन्होंने संविधान के बारे में कहा, जब उन्होंने अंबेडकर के बारे में कहा, जब उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहा कि भाई मैं उसको कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, वो कहते तो कुछ हैं लेकिन उनका काडर करता कुछ और है और उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। निश्चित तौर पे जो एक बहुसंख्यक वाद इस दौर में उभरा है उसने एक बड़ी जमात के लिए, इस देश की अल्पसंख्यक जमात के लिए असुरक्षा का एक माहौल बनाया है। गोरक्षा के नाम पे जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो तरह तरह के असहिष्णु झगड़े हुए हैं, उन सबको निबटना, उन सबसे निबटना प्रधानमंत्री की एक बड़ी चुनौती है। एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत उनको मिली है, उसको एक नैतिक आभा देना अब उनका काम है। उनका पहला वक्तव्य जो कल का था उस लिहाज से बहुत अच्छा वक्तव्य था, लेकिन संकट वही है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं अमूमन उनके साथ के लोग वो करते दिखाई नहीं पड़ते हैं। अक्सर उनके बयान बहुत असहिष्णु होते हैं, गिरिराज सिंह हों, प्रज्ञा ठाकुर हों, साक्षी महाराज हों, जिनका वो मतलब उन सबके साथ पार्लियामेंट में बैठेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि उनका अपना एजेंडा आने वाले दौर में क्या है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी उनको राजनीतिक कामयाबी मिली है इसको लंबा और बड़ा बनाने के लिए, इसको नैतिक आभा से जोड़ने के लिए उनको सबको साथ लेने की, उदार होना होगा, सबको समाविष्ट करने की किसी रणनीति पे अमल करना होगा जी। और उन्हें और उदार होना होगा, और उन्होंने अपने भाषण में कह भी दिया है कि किसी भी तरह की बदले की जो भावना है उससे वो कोई काम नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के सामने, नए सिरे से प्रधानमंत्री पद अब वो संभालेंगे। आज उन्होंने, उनकी सरकार ने इस्तीफा दिया, इस वक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले इतना ही, ब्रेक के बाद हम ये देखेंगे कि जो फिल्मी हस्तियां इस बार लोकसभा के चुनाव में उतरी उनका क्या। इन लोकसभा चुनावों में फिल्मी सितारों की भी काफ़ी भूमिका रही। हर पार्टी ने जीत के लिहाज से फिल्मी सितारों को मैदान में उतारने की कोशिश की। इनमें से कई सितारे काफ़ी कामयाब रहे तो कई राजनीति के मैदान पर फ्लॉप भी हो गए। 17वीं लोकसभा के चुनावों में सबसे धमाकेदार स्टार एंट्री सनी देओल की रही। गुरदासपुर के लोग उनके रोड शो में दीवानों की तरह आते रहे। गुरदासपुर विनोद खन्ना की सीट थी जिसे कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने बीजेपी से छीन लिया था, लेकिन सीट पर सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ खूब भारी पड़ा। खेतों और मंदिरों में चुनावी दौरे करती बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी मथुरा सीट दोबारा हासिल कर ली, वो भी 2,93,000 वोटों के बड़े अंतर के साथ। सुरीले अंदाज के साथ कमल खिलाने के लिए बेताब भोजपुरिया बाबू मनोज तिवारी ने जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली पर फिर से जादू चलाते हुए शीला दीक्षित को 3,66,000 वोटों से हरा दिया। शीला दीक्षित जी जो 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं इसी दिल्ली की, और वो एक 5 साल से काम कर रहे नरेंद्र मोदी के सिपाही मनोज तिवारी से 3,67,000 वोटों से अगर पिछड़ जाती हैं, तो जो उनको खड़ा किया है वो बदला ही तो लेने खड़ा किया है, तो मैं बोला था। तो भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले मशहूर रवि किशन ने महागठबंधन के कैंडिडेट को 3,00,000 मतों से शिकस्त दी। लेकिन असली कमाल सूफी सिंगर हंसराज हंस ने किया। बीजेपी के टिकट पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस ने 5,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 130 करोड़ लोग इतने एक्साइटेड हैं, वो एकदम कहते हैं 23 मई की इंतजार कर रहे थे
यही कह रहे थे, आ जावे मोदी तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे मोदी तेरा रस्ता, बेटी को बचाने वाले, बेटी को पढ़ाने वाले, बेटी को बयाने वाले, बेटी को बचाने वाले, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास कराने वाले, आ जा रे मोदी तेरा रास्ता उड़ीक दिया। सबसे देरी से टिकट पाने के बावजूद बीजेपी नेता और अभिनेत्री किरण खेर ने भी चंडीगढ़ सीट 46,000 वोटों से जीत ली है। वहीं पंजाब के संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। बंगाल में भाजपा के मौजूदा सांसद और गायक बाबुल सुप्रियो का जादू फिर चला। तो यहीं से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे कुल 5 सितारों में से 4 बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां, अभिनेता देव, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और शताब्दी रॉय ने फतह पाई। कर्नाटक की मांड्या सीट से साउथ की एक्ट्रेस सुमालता अम्बरीश का निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए सीएम के बेटे निखिल कुमारस्वामी को हराना दिलचस्प रहा। तो वहीं तेलुगु एक्ट्रेस नवनीत कौर राणा ने भी महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिवसेना के सांसद आनंद राव अड़सूल को करीब 36,000 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी। जिन सितारों का जादू नहीं चला उनमें उर्मिला मातोंडकर, शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, प्रकाश राज, जयाप्रदा, राज बब्बर, मुनमुन सेन और निरहुआ जैसे नाम शामिल रहे। एंटरटेनमेंट ब्यूरो, एनडीटीवी इंडिया।